आज हम बात करते हैं सूचना के अधिकार पर। हमारे शहर के देश के हर नागरिक को सूचना के अधिकार को काम में लेना चाहिए और ये उनका अधिकार और हक भी है। कलम की धार तलवार से भी ज़्यादा तीखी होती है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इससे। सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये एक परफॉर्मा है, इसे भरकर भी आप किसी भी विभाग से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। सूचना नहीं देने पर प्रथम अपील व द्वितीय अपील, और उसके पश्चात भी अगर सूचना नहीं मिलती है तो आप सूचना आयोग को पत्र प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा सूचना के अधिकार में धारा 2G3 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने शहर के देश के किसी भी कार्य या विकास कार्य या किसी भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले, किसी भी रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन का अधिकार है। प्रथम घंटे यह निःशुल्क है, उसके बाद में शुल्क देय है। एक अधिकतर देखा गया है कि सूचना के अधिकार में ये अक्सर जवाब दिया जाता है कि प्रश्नात्मक प्रश्नों के उत्तर संभव नहीं है। ये सरासर गलत है। विभाग की धारा सूचना के अधिकार की धारा 6, इसके अंतर्गत ये भी देखा गया है कि अधिकतर विभाग ये कहकर लौटा देते हैं कि हमारे विभाग से ये सूचना संबंध नहीं रखती। इसके अंतर्गत भी संबंधित विभाग को सूचना प्रेषित किए जाने का प्रावधान है, पत्र प्रेषित किए जाने का प्रावधान है। सूचना नहीं देने पर ₹25,000 का जुर्माना भुगतना होता है, जो सरकारी कर्मचारी के खाते में से कटता है, तनख्वाह में से। इस प्रकार आप साधारण पत्र पर भी लिखकर सूचना मांग सकते हैं। और सूचना के लिए पोस्टल ऑर्डर, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, इस तरीके से आप संलग्न कर सकते हैं। आइए अपने देश के विकास में सहयोगी बने, एक RTI कार्यकर्ता बने।